हेलो स्टूडेंट्स आई एम शिफाली अग्रवाल वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स का टर्म सेकंड का अरियंत बुक का प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट ये आपकी वीडियो की पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड भी आपकी कल अपलोड हो जाएगी ठीक है तो सेक्शन ए जो है हमारा उसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्या तरह रखा है हमें वेरीफाई दैट वेदर माइनस इज़ द ज़ीरो ऑफ़ द पोलिनोमियल पी एक्स टू एक्स का क्यूब माइनस नाइन एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ट्वेल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ज़ीरो पी वन एंड पी टू ठीक है तो हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना होगा आप ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार कर चुके होंगे ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है ये जो हमें पी एक्स की ये जो पोलिनॉमिल दे रखा है इसमें हमें सबसे पहले माइनस वन डाल के चेक करना होगा कि ये जीरो ऑफ़ द पोलिनॉमिल है या नहीं अगर ये ज़ीरो ऑफ़ द पोलिनॉमिल है आपका तो उसके आगे हम क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं हम जीरो वन एंड टू डालकर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके हम दिखा सकते हैं राइट right? तो चलो सबसे पहले हम ज़ीरो ऑफ़ द पोलिनॉमिल चेक करते हैं इसमें हमें क्या गिवन है पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेती हूँ पी एक्स इज इजिक्वल्स टू टू क्यू माइनस नाइन एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ट्वेल्व ठीक है ये इक्वेशन है आपकी तो पी में हमें क्या डालना है माइनस वन डालना है तो आया हो गया आपका माइनस वन इज इक्ल्स टू टू ब्रैकेट में हम डालेंगे माइनस वन का क्यूब माइनस नाइन फिर ब्रैकेट में हम डालेंगे माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस ट्वेल्व ठीक है आपको ये ऑलरेडी पता है कैसे कैसे करना है तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे p माइनस वन आपको ये वैल्यू डालनी है ठीक है अब माइनस वन का क्यूब करेंगे हम तो आपका माइनस वन ही आएगा तो टू ब्रैकेट में माइनस वन माइनस नाइन और आपका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ठीक है प्लस प्लस माइनस तो ये आपका माइनस वन आ जाना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ट्वेल्व आगे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो टू को माइनस वन से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस टू और माइनस नाइन को इंटू करेंगे वन से तो ये आपका आ जाएगा माइनस नाइन और ये आपका आ जाएगा माइनस वन और प्लस इलेवन सॉरी मैं यहाँ पे माइनस वन ऑलरेडी माइनस कर चुकी हूँ यहाँ पे तो ये माइनस वन यहाँ पर कैंसिल हो जाता है यहाँ पे आ जाएगा प्लस इलेवन ठीक है यहाँ पे मैंने क्या किया माइनस वन को ट्वेल्व से माइनस कर दिया तो इलेवन आपका आ गया है ठीक है इतना क्लियर है चलिए आगे हम कर लेते हैं आगे, आगे आपको क्या गिवन है इलेवन और माइनस माइनस है तो इन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो नाइन में टू प्लस करोगे आपका इलेवन होगा तो ये हो जाएगा माइनस इलेवन और ये आपका हो जाएगा प्लस ट प्लस इलेवन ठीक है तो माइनस प्लस कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट जीरो आ जाएगा किसकी वैल्यू है ये पी माइनस वन पी माइनस वन मतलब ये हमारा क्या निकला है ज़ीरो ऑफ़ द पॉलीनॉमियल ठीक है पॉलिनॉमल क्या ये जीरो आ रहा है तो हम आगे क्वेश्चन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं हम हम पी तो पॉलिनॉमियल में हम सबसे पहले जीरो डाल के देखेंगे इसी इक्वेशन के अंदर तो चलो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ केस फर्स्ट ठीक है केस फर्स्ट आपका है एक्स इज इक्वल्स टू हमें लेना है ज़ीरो ठीक है ज़ीरो लेना है तो ये इक्वेशन क्या दे रखी है हमें हमें लेना है पी ब्रैकेट में ज़ीरो इज इक्वल्स टू टू एक्स एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे ज़ीरो जीरो का क्यूब माइनस नाइन ब्रैकेट में जीरो का स्क्वायर प्लस ज़ीरो प्लस ट्वेल्व ठीक है ये आगे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ओके तो आगे जब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो आगे क्या आएगा हमारा टू ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले ये आ जाएगा का ज़ीरो माइनस नाइन ब्रैकेट में आपका आ जाएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ट्वेल्व ठीक है इतना क्लियर है तो इसका भी ज़ीरो आएगा माइनस ज़ीरो आ जाएगा इसका प्लस ज़ीरो और आपका आ जाएगा प्लस ट्वेल्व ठीक है तो प्लस माइनस ये ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है तो आपका सीधा आंसर क्या आ जाता है आपका आंसर आ जाता है ट्वेल्व ठीक है ऐसे ही आपको केस एस टू भी करना है तो चलो अब हम केस एस टू भी कर लेते हैं ऐसे ही ठीक है केस टू में हमें एक्स की वैल्यू क्या लेनी है वन लेनी है इक्वल्स टू इक्वेशन जो हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग करते हैं टू ब्रैकेट में वन का क्यूब माइनस नाइन ब्रैकेट में वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस ट्वेल्व ठीक है आगे हम वैल्यूज डाल रहे हैं तो ब्रैकेट इसका सॉल्व करते हैं सबसे पहले टू ब्रैकेट में वन माइनस नाइन ब्रैकेट में वन प्लस वन प्लस ट्वेल्व ठीक है इतना क्लियर है चलिए आगे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो टू वन से टू माइनस नाइन वन से नाइन प्लस वन प्लस ट्वेल्व ठीक है तो ये आपका कितना हो जाता है ये आपका हो जाता है माइनस सेवन और ये आपका हो जाएगा प्लस थर्टीन ठीक है इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे निकल कर आपके आ जाएगी यहाँ पे सिक्स जाएगा सिक्स ठीक है थर्टीन हमारा पॉजिटिव में दे रखा है तो इसलिए हम पॉजिटिव इसको यूज़ कर रहे हैं सिक्स ऐसे ही आपको केस थ्री भी करना है तो केस थ्री आप ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व करें खुद सॉल्व करें हमारा केस थ्री क्या है केस थ्री है हमारा कि हमें एक्स की वैल्यू को लेना है टू तो ये ब्रैकेट में टू आ जाएगा सेम इक्वेशन हमारी बन जाएगी यहाँ पे तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा टू का क्यूब माइनस नाइन ब्रैकेट में टू का स्क्वायर प्लस टू प्लस ट्वेल्व ठीक है इसको आगे हम फर्दर सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा टू ब्रैकेट में एट माइनस नाइन टू का स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा फोर प्लस टू प्लस ट्वेल्व जब आप इसको पूरा टोटल इसको अच्छे से सॉल्व कर दोगे तो आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए सिक्सटीन माइनस थर्टी सिक्स प्लस ये हो जाएगा आपका फोर्टीन ठीक है फोटीन तो इसको आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस ट्वेंटी प्लस फोर्टीन इसको आप आगे और फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस सिक्स ठीक है इतना क्लियर है तीनों की वैल्यूज मैंने आपको दिखा दिया एक क्या रहा है ट्वेल्व एक आ रहा है सिक्स और एक आ रहा है माइनस सिक्स ठीक है इतना क्लियर हो गया है ओके चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा द डायगनल ए सी एंड बी डी ऑफ द पैरलोग्राम अब हमें पैरोग्राम का डाइगनल uh, जो दे रखा है ए सी और बी डी ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ सबसे पहले हम एक पैरलोग्राम बना लेते हैं ये मैंने यहाँ पे बना लिया है एक पैरलोग्राम ठीक है इसकी नेमिंग मैं कर रही हूँ ए बी सी और डी ठीक है मैंने इसकी नेमिंग कर दिया है तो इसके डायगनल हमें दे रखे हैं ए सी एंड बी डी ठीक है ये डाइंगल्स हमें दे रखे हैं इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट ओ पर ठीक है इफ एंगल डी ए सी मतलब ये वाला एंगल आपको कितना गिवन है थर्टी टू डिग्री ए ओ बी ए बी आपको कितना गिवन है ये आपको गिवन है सेवेंटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बी सी हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है ठीक है इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे ये हम देख लेते हैं हमें सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि पैरोग्राम हमें गिवन है तो दैट मीन्स इसकी साइड जो हमें पैलर दे रखी होगी ए बी जो है वो सी डी के पैलर होगी और सी बी जो है वो डी ए के पैलर होगी अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि ए बी जो है वो सी डी के, के पैलर है तो ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई ए सी ए सी ट्रांसवर्सल हो गई तो ये आपका थर्टी टू और यहाँ पर जो एंगल बनेगा आपका एंगल कौन सा है ये बी सी ए ये वाला एंगल भी आपका थर्टी टू होगा मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आपका रीजन हो जाएगा इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो मैं यहाँ लिखते रहती हूँ एंगल डी ए सी इज इज इक्वल्स टू थर्टी टू डिग्री इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी भी आपका थर्टी टू डिग्री हो जाएगा रीजन आप क्या दे सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है ये आप रीजन इसमें दे सकते हो आगे हम देखते हैं हमने ये वाला एंगल निकाल लिया ये वाला एंगल फाइंड करना है तो हमें ये वाला एंगल भी हमें फाइंड आउट करना होगा अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे अब आप देखो ये आपको एक लाइन गिवन है ठीक है इसके ऊपर क्या दो एंगल्स बन रहे हैं ठीक है ये दो एंगल्स बन रहे हैं तो दैट मीन्स आप रीजन क्या लिख सकते हो लीनियर पेयर वन एटी डिग्री करके आप ये वाला एंगल क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो तो मैं वही चीज इसके अंदर करूंगी सबसे पहले नाउ एंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल एंगल में आप लिखूंगी बी ओ सी एंगल बी ओ सी इज़ इज इक्वल्स टू वन डिग्री रीजन आप क्या देखोगे लीनियर पेयर ठीक है चलिए ये आपको कितनी वैल्यू दे रखी है ए ओ बी की आपको दे रखी है सेवेंटी डिग्री प्लस आपको एंगल बी ओ सी आपको फाइंड आउट करना है इज़ इज टू वन डिग्री एंगल बी ओ सी इज़ इज इक्वल्स टू वन डिग्री माइनस सेवेंटी तो एंगल बी ओ सी आपका कितना आ जाता है माइनस करोगे तो ये वन वन जीरो आपका आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाती है आपकी वैल्यू वन वन जीरो अब आप देख सकते हो ये आपका एक ट्राएंगल है सम ऑफ ऑफ द ट्राइंगल इज वन इज वन एटी डिग्री ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो उससे हम क्या कर सकते हैं ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो चलो वो और यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं अब मैं लिखूंगी नाव इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल कौन सा है बी ओ सी बी ओ सी वाला ट्राएंगल की हम बात कर रहे हैं एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी सी ओ बी सी ओ प्लस एंगल सी बी ओ प्लस एंगल मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ सी बी ओ सी बी ओ इज इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री रीज़न है आप क्या लिख सकते हो सम ऑफ ट्राइंगल इज़ वन एटी डिग्री ठीक है अब इसका रीज़न लिख सकते हो चलो सबकी वैल्यूज डालते हैं बी ओ सी की वैल्यू कितनी है वन वन ज़ीरो प्लस बी सी ओ की कितनी है थर्टी टू प्लस एंगल सी बी ओ की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं सी बी ओ यहाँ पे लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू वन एट्टी डिग्री इन दोनों को आप प्लस करोगे इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा वन फोर टू प्लस एंगल सी बी ओ इज इक्वल्स टू वन एट्टी डिग्री ठीक है आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कैसे कैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ तो एंगल सी बी ओ इज इज इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस वन फोर्टी टू तो आपका कितना आ जाता है सी बी ओ आपको इन में माइनस करोगे तो आपका एट तो आपका थर्टी एट डिग्री आ जाएगा ये ठीक है तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है थर्टी एट आपने आपको ये वाला एंगल ही फाइंड आउट करना वो हमने फाइंड आउट कर दिया है ठीक है इतना क्लियर है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पॉलिनामल चैप्टर में से था और ये आपको कॉर्डिनेटिव चैप्टर में से था ठीक है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसके में ही हमें एक और क्वेश्चन हमें गिवन है और करके तो वो क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं टू सर्कल ऑफ़ द रेडियस फोर सेंटीमीटर एंड थ्री सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट द टू पॉइंट्स दो सर्कल्स हमें गिवन है और उनके हमें रेडियस गिवन है ठीक है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज़ फाइव सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो हमें दिया रखा है फाइव सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉड जो बीच में हमें कॉमन कॉड गिवन होगी वहाँ हमें लेंथ फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ टू सर्कल्स बना लेती हूँ यहाँ पे देखो एक सर्कल ठीक है ये आपका एक सर्कल हो गया और ये आपका हो जाता है सेकेंड सर्कल ठीक है ओके okay. तो दोनों के बीच का जो है जो कॉर्ड है वो क्या है कॉमन कॉर्ड ये होती है पूरी लंबी ठीक है ये आपकी कॉमन कॉर्ड है ये बीच में से आपको रेडियस गिवन है दोनों का तो ये आपका हो जाता है ये मैं ज्वाइन कर देती हूँ ये और ये मैं इसकी नेमिंग कर रही हूँ नेमिंग कैसे कर रही हूँ मैं इसका नाम इसको ए बी और c इस पॉइंट को ठीक है और बीच में ये जो आपका कॉमन कॉर्ड ये जा रहा है इस डॉट को मैं बोलूँगी d ठीक है इतना क्लियर है आप ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो मुझे इस फिगर को ज्यादा एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको ठीक है ये आपका कॉमन कॉर्ड है अब आप देख लेते हैं दोनों का रेडियस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर ठीक है मतलब ये आपका हो गया फोर सेंटीमीटर और ये आपका हो जाता है थ्री सेंटीमीटर एट अ टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर सेंटर के बीच में जो डिफरेंस है ये आपको ए बी दे रखा है पूरा फाइव सेंटीमीटर ठीक है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड का लेंथ में फाइंड आउट करना है अब आप ये चीज़ देखो ए बी का स्क्वायर ठीक है इज इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर एंड ए सी का स्क्वायर तो हम क्या बोल सकते हैं ये है आपका राइट एंगल ट्रो ठीक है एट अ पॉइंट सी से मैं पर लिख देती हूँ ये चीज़ कि सिंस आप क्या गिवन है मैं अगर करूं ए बी का स्क्वायर इज इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर तो मैं बोल सकती हूँ द्राइंगल ए बी सी डी ए बी सी सॉरी इज अ राइट एंगल राइट एंगल एट सी ठीक है इतना क्लियर है ये क्या बन गया आपका राइट ट्रायंगल बन गया मतलब ये आपका नाइन्टी डिग्री का हो गया ठीक है इतना क्लियर है चलिए आगे हम देख लेते हैं मैं इसके अंदर थ्योरम अप्लाई करने वाली हूँ क्यों अप्लाई करने वाली हूँ क्योंकि आपको ये पूरा दे रखा है आपको फाइव सेंटीमीटर ठीक है लेकिन अगर मैं खाली इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ जब आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है तो अगर मैं ए डी बी अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो मैं ए बी को मान लेती हूँ ए डी को मान लेती हूँ एक्स इसको मैं बोल रही हूँ एक्स ठीक है और आपका जो ये बी डी है इसको मैं बोलती हूँ फाइव माइनस एक्स मैंने ये फाइव माइनस एक्स क्यों लिखा है क्योंकि ये हमें पूरा फाइव दे रखा है इस पूरे फाइव में से हमें एक्स को माइनस करना है तो इसीलिए आपका लिखा जाएगा फ़ाइव माइनस एक्स आप कभी भी इसमें एक्स माइनस फाइव मत लिखिएगा ठीक है क्योंकि हम फाइव में से एक्स को माइनस करेंगे ठीक है तो मैंने इसको सपोज कर लिया एक्स और इसको मैंने सपोज कर लिया है माइनस फाइव माइनस वाई इतना क्लियर है तो मैं यह करूँगी इसको अगर मैं हाइपो सॉरी थ्योरम की हेल्प से मैं करूँ कि हाइपोटेनस एक्स प्लस दिस वन सी डी ठीक है सी डी का स्क्वायर करके करूँ तो मेरी सी डी की वैल्यू आ जाएगी और सेम अगर मैं इसी ट्राइंगल के साथ यही चीज़ करूँ तो आपकी क्या सी डी की भी एक और इक्वेशन आपकी रेडी हो जाएगी दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूँगी इक्वेट करूँगी इक्वेटिंग करूँगी उनको इक्वल करूँगी फिर उसके बाद आपकी क्या निकल आएगी सी डी की सी डी का क्या निकल आएगा आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी फिर उससे क्या कर सकते हैं हम लेंथ ऑफ द कोड हम निकाल सकते हैं ठीक है ये आपके आपने क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर रखे होंगे अगर आपने सर्कल चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा तो पहले सर्कल चैप्टर अच्छे से जाकर पढ़ लीजिएगा सो so, मैं ये कर रही हूँ पायथोग्योरस थ्योरम की अप्लाई कर रही हूँ अप्लाइंग पाथाग्योरस थ्योरम ठीक है मैं ये अप्लाई कर रही हूँ इसके अंदर सबसे पहले पहले मैं ट्राइंगल की बात करूंगी ए डी सी सो मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल ए डी सी ठीक है बात अगर से की ले रही हूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी एसी का स्क्वायर क्योंकि हमें ए सी फाइंड आउट करना है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर हो गया है आपका ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर ठीक है तो एसी की वैल्यू आपको कितनी किवन एसी की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी थ्री थ्री का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी आपको कितना गिवन है X का स्क्वायर प्लस CD, आपको क्या करना है? Find out करना है है फाइंड आउट ठीक है तो ये ओ, यहाँ पे मैंने फोर सेंटीमीटर लिख रखा है लेकिन आप यहाँ पे फोर लिखो या थ्री लिखो एक ही बात है तो मैं यहाँ पे थ्री लिख देती हूँ और ये आपका हो जाता है फोर ठीक है ऐसे करके हम ले लेते हैं कुछ भी ले सकते हो आप इसको फोर बोलो इसको थ्री बोलो एक ही बात है ठीक है तो थ्री का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है वो हो जाता है आपका नाइन इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर अब मैं क्या करूंगी सी डी को यहाँ ले आऊंगी इजिक्वल्स टू नाइन इधर आ जाएगा तो नाइन सो ये आपका हो जाता है माइनस में एक्स का स्क्वायर मैं एक्स के स्क्वायर को इधर लेके गई तो यहाँ पे खाली सी का स्क्वायर बच गया तो ये आपकी क्या हो जाती है ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है अब ये आगे तो सॉल्व हो नहीं सकती है हमारी तो ये आपकी क्या हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है अब सेकेंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं लूंगी बी तो मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल बी डी सी सेम वही चीज पाया था की हेल्प ले रही हूँ मैं बी सी का स्क्वायर इजिक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर सॉरी बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर ठीक है बी सी का स्क्वायर आपको कितना गिवन है फोर इज इक्वल्स टू आपको बी डी कितना गिवन था यहाँ पे फाइव माइनस एक्स जो कि मैंने सपोज किया था फाइव माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी डी जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है राइट फोर का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है आपका हो जाता है सिक्सटीन इज इक्वल्स टू फाइव माइनस एक्स का स्क्वायर थीके? प्लस सी डी सी डी इधर ही रह गया तो सी डी यहां पे पॉजिटिव में इज इज इक्वल टू सिक्सटीन आपका पॉजिटिव में ये इधर आगे हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पैकेट में फाइव माइनस एक्स का स्क्वायर तो ये आपकी क्या बन जाती है आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती तो ये आपकी हो जाती है सेकेंड इक्वेशन ठीक है इतना क्लियर है ठीक है अब हम आगे क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे ठीक है तो मैं लिख देती हूँ इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी नाइन माइनस एक्स का स्क्वायर इज इज इक्स टू सिक्सटीन माइनस फाइव माइनस एक्स का ब्रैकेट में स्क्वायर ठीक है अब आप यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते identity हो आइडेंटिटी क्या कौन सी वाली मैं यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर ए माइनस बी के स्क्वायर वाले आपको आइडेंटिटी पता है वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ क्या होती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी ठीक है तो वही इसके अंदर हम यूज़ भी करने वाले हैं तो नाइन माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज लिख रही हूँ मैं इज इक्वल्स टू सिक्सटीन माइनस तो आपका कितना हो जाता है फिफ्टीन करेंगे 15 फाइव uh, का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ट्वेंटी फाइव 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 से ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स का करेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है तो टू इंटू फाइव तो ये हो जाएगा टेन का एक्स टेन एक्स हो जाएगा ठीक है आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो सिक्सटीन में से ट्वेंटी फाइव माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस नाइन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस टेन एक्स ठीक है अब आप देखो ये वाला जो नाइन है ये माइनस का नाइन मैं इधर अगर लिया हो तो ये प्लस में हो जाएगा तो मैं इन दोनों को डायरेक्टली प्लस कर देती हूँ ये आपका हो जाता है एटीन इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपका क्या बन जाता है यहाँ पे आपको बच जाता है टेन एक्स तो आप सिंपली यहाँ पे निकाल सकते हो एक्स इज इक्वल्स टू टेन सॉरी एटीन अपॉन टेन तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा वन पॉइंट एट आपका क्या निकला आएगा एक्स निकल आएगा, आएगा. ठीक है इतना क्लियर है तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है वन पॉइंट एट हमें क्या इसके अंदर फाइंड आउट करना था लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमें फाइंड आउट करना था लेकिन अभी तक सी डी की वैल्यू हमने निकाली नहीं है तो सबसे पहले हम सी डी की वैल्यू निकालेंगे सी डी की वैल्यू का जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम पुट करने वाले हैं तो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन माइनस एक्स का स्क्वायर तो इसमें हम डालेंगे सी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन माइनस एक्स हमारा कितना है वन पॉइंट एट का स्क्वायर तो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन माइनस इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा थ्री पॉइंट टू फोर ठीक है इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा फाइव पॉइंट सेवन सिक्स ये जो सी डी का स्क्वायर आपको गिवन है अगर मैं स्क्वायर को हटाऊँ तो आपका आ जाता है नॉर्मल सी डी जो आएगा आपका आ जाएगा टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर ठीक है इतना क्लियर है सेंटीमीटर में मैंने क्यों लिया है क्योंकि यहाँ पे आपको थ्री और फोर सेंटीमीटर में हमें गिवन है इतना क्लियर है सी डी की वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड आउट कर ली है ओके okay. अब हमें इस पूरे कॉर्ड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी तो हमें ये चीज़ पता है कि वी नो दैट द फ्रॉम फॉर्म सेंटर टू द कॉर्ड बाई द कॉर्ड कॉर्ड को क्या करते हैं इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है अगर पेंडिकुलर है सेंटर पर तो ठीक है तो दैट मीन्स क्या हो जाता है हम कैसे लिख सकते हैं मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ वी नो दैट पपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर टू chord bisect द chord. Chord को क्या करता है बाइसेक्ट करता है सो द लेंथ ऑफ द chord आपका कितना हो जाएगा टू इंटू सी डी हो जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना है टू इंटू टू पॉइंट फोर ठीक है इन दोनों को इंटू कर दोगे तो आपका फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर का आ जाता है राइट right? हमने टू के लिया क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुके हैं तो इसीलिए टू इंटू सी डी ठीक है आपने अगर ये सर्कल का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है ठीक है आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ठीक है चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हमें क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दे रखा है वो हम पढ़ लेते हैं अ सर्वे ऑफ सिक्स हंड्रेड स्टूडेंट अबाउट देयर लाइकिंग ऑन द कॉफी वॉज कंडक्टेड एंड रिकॉर्डेड एज अंडर तो एक सर्वे कंडक्ट हुआ कितने स्टूडेंट का सिक्स हंड्रेड स्टूडेंट्स का ठीक है कि उन्हें कॉफ़ी कितनी ज्यादा पसंद है किसको पसंद है और किसको पसंद नहीं है तो उसका एक रिकॉर्ड हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने थे सर्वे हुआ सिक्स हंड्रेड स्टूडेंट में जिसमें जिनको थ्री हंड्रेड स्टूडेंट्स को पसंद थी कॉफ़ी और वन फोर्टी स्टूडेंट्स को डिसलाइक थी कॉफ़ी पसंद नहीं थी ठीक है आउट ऑफ दी स्टूडेंट वन इज स्टूडेंट एट रैंडम तो इसमें क्या आपको बोल रखा है किसी एक स्टूडेंट को एज रैंडम आपको सपोज करना है और फिर बताना है उसकी प्रोबैलिटी ठीक है तो सबसे पहले किसको कॉफी पसंद है उसका हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट ठीक है टोटल नंबर स्टूडेंट्स आप पहले स्टार्टिंग में ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू सिक्स हंड्रेड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट लाइक द कॉफ़ी इज इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी ठीक है आपको ये एक्चुअली यहाँ पे थ्री सिक्सटी गिविन है थ्री हंड्रेड गिवन है थ्री सिक्सटी गिवन है ठीक है आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सिक्स हंड्रेड स्टूडेंट कितनी पसंद है कितनी किसको कितनी पसंद नहीं है ये आपको इक्वेशन बना के आप लिख दोगी ठीक है मैं दैट फर्स्ट पार्ट में बोलती हूँ प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं लाइक कॉफ़ी की ठीक है तो मैं लिखती हूँ पी तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ स्टूडेंट्स स्टूडेंट जिसको कॉफ़ी पसंद है लाइक कॉफ़ी ठीक है उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इसी इक्वल्स टू ऊपर आएंगे जिनको पसंद है कॉफ़ी ठीक है मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट लाइक कॉफ़ी अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है आपको ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो बहुत ही आसान चैप्टर है आपका ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें ठीक है ऐसे आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो कितनों को लोगों को पसंद है थ्री सिक्सटी और टोटल कितने थे आपके सिक्स हंड्रेड कहते थे आपके सिक्स हंड्रेड स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों को कट करोगे कितना आ जाएगा आपका ये मैं करती हूँ टू थ्री जो सिक्स ज़ीरो टू वन जो टू और टू एट जो सिक्सटीन ठीक है फिर से टू से कट रहा है टू वन जो टू टू फाइव ज़ा टेन टू नाइनजा तो ये आपका कितना आ जाता है ये आपका आ जाता है नाइन अपॉन फिफ्टीन ये आपका हो जाता है फर्स्ट पार्ट अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की ठीक है वट इज़ द प्रोबलिटी ऑफ द चूजन स्टूडेंट हु डिसलाइक कॉफ़ी जिसको डिसलाइक कॉफ़ी जिसको कॉफी पसंद नहीं है तो पी प्रोबैलिटी ब्रैकेट में आपका आ जाएगा स्टूडेंट डिसलाइक कॉफ़ी जिसको कॉफी पसंद नहीं है ठीक है इस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट डिसलाइक कॉफी अपॉन में क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ठीक है नीचे अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है तो डिसलाइक के कितने थे 140 थे तो यहां पे आ जाएगा 140 फोर्टी वन अपॉन सिक्स हंड्रेड ठीक है इसको कट करोगे आप तो कितना आएगा आपका टू थ्री जो सिक्स ज़ीरो टू सेवन है तो आपका आ जाता है सेवन अपॉन थर्टी ठीक है ये आपका हो जाता है सेकेंड पार्ट जो कि था हमारा जिसको बच्चों को किसको को, कितनों की कॉफ़ी पसंद थी और कितनों को कॉफ़ी पसंद नहीं थी तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालनी थी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ठीक है अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन का जो और वाला पार्ट है पार्ट क्या है हमारा द रेशियो ऑफ द कर्व सर्फेस एरिया टू द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज वन एस टू टू तो हमें एक रेशियो गिवन है कर्व सर्फेस एरिया से लेकर टू टोटल सर्फेस एरिया तक का जो कि है राइट सर्कुलर सिलेंडर आपका वन एज टू टू हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है ऑफ अ सिलेंडर अगर हमें टोटल सर्फेस एरिया गिवन है आपको सिक्स माइनस सिक्स वन सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो मैं सबसे पहले लिखती हूँ यहाँ पर हमें सबसे पहले गिवन है रेशियो रेशियो ऑफ कर्व सर्फेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ठीक है आपको रेशियो गिवन है वन इज़ टू टू ठीक है आपको टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है टोटल सरफेस एरिया सिक्स माइनस सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर अब खाली हमें ज़रूरत है कर्व सर्फिस एरिया निकालने की तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है और कर्व सर्फिस एरिया से लेकर हमें टोटल सरफेस एरिया का एक रेशियो गिवन है तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर अगर मुझे निकालना है यहाँ पर कर्व सर्फेस एरिया तो मैं आगे कर सकती हूँ टोटल सर्फेस एरिया जितना हमें गिवन है इन टू वन इस टू टू कर देंगे जो कि हमें रेशियो में गिवन है तो जब इसको काटोगे टू से तो आपका आ जाएगा थ्री ज़ीरो एट तो ये आपका क्या आ जाता है आपका आ जाता है कर्व्ड सर्फेस एरिया जिसकी हमें ज़रूरत थी ठीक है अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ मुझे कर्व सर्फेस एरिया इसे फाइंड आउट करना है तो मैं आर को क्या एच के इक्वल कर रही हूँ मैं जिससे हमें थोड़ी सी आसानी हो फाइंड आउट करने में ठीक है ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपको सिर्फ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर्स में फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे क्या निकालना है निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका क्या होगा आपका टू पाई आर एच होगा अब मैंने यहाँ पे क्या किया है आर को एच के इक्वल कर दिया है तो यहाँ पे ये यह वाला जो एच है उसकी जगह मैं आर लिख सकती हूँ यहाँ पे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका टू पाई आर का स्क्वायर ये आपका फॉर्मूला बन जाता है इसमें ठीक है और आप इज इक्वल्स टू कर दोगे जो कि आपका कर्व सर्फेस एरिया गिवन है थ्री जीरो एट मैं थ्री जीरो एट यहाँ पे लिखती हूँ ठीक है उसके आगे अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो टू इंटू पाई की वैल्यू आपकी कितनी होती है ट्वेंटी टू ऑफ सेवन इंटू आपका आर कितना गिवन है आपको आर फाइंड आउट करना है तो ये आर का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे ठीक है तो आपका हो जाता है यहाँ पे आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री जीरो एट इंटू सेवन नीचे अपॉन में आपका हो जाएगा ट्वेंटी टू इंटू टू फोर्टी फोर ठीक है आप इसको सिंपली सॉल्व कर दोगे इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा फोर्टी नाइन ठीक है अब हमें तो खाली आर चाहिए था तो आर की वैल्यू क्या होगी इसको इसका हम स्क्वायर हमें दे रखा है तो खाली आर आपका कितना होगा सेवन सेवन से फोर्टी नाइन होता है तो आपका हो जाएगा सेवन यही आपका क्या होगा एच बी होगा ठीक है एच और हर हमने क्या किया फाइंड आउट कर लिया है कर्व सर्फेस एरिया की हेल्प से अब हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का ठीक है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है ये आपको याद है ठीक है चलिए इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू आर कितना है हमारा सेवन इंटू सेवन इसको स्क्वायर हमें गिवन है इंटू हाइट भी आपकी कितनी है सेवन ही है ठीक है तो सिंपली इसको सॉल्व कर दो सेवन सेवन कर दिया सेवन सेवन से फोर्टी नाइन और फोर्टी नाइन इंटू ट्वेंटी टू तो ये आपका हो जाता है वन जीरो सेवन एट सेंटीमीटर का क्यूब ठीक है क्यूब सेंटीमीटर हम इसमें लगाते हैं जब भी हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करते हैं यही आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना था वही हमने क्या कर लिया है फाइंड आउट कर लिया है ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही आसान क्वेश्चन है ठीक है आई होप आपने अगर चैप्टर पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से तो यह क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से सॉल्व भी कर दिया होगा ठीक है थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है थर्ड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको देने थे जिसमें से तो आपको एक अटैम्प्ट करना था जो कि मैंने दोनों ही सॉल्व कर दिए हैं ठीक है चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर हम क्वेश्चन नंबर फोर कर रहे हैं द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ फोर्टी इंजीनियर फ्रॉम देअ रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ वर्क वर्क फाउंड फॉलो तो आपको डिस्टेंस किवन है इन किलोमीटर्स में फोर्टी इंजीनियर्स का फ्रॉम द रेजिडेंस टू दे वर्क प्लेस का उनका डिस्टेंस किवन है ठीक है तो हमें प्रोबेलिटी फाइंड आउट करना है इसके अंदर फर्स्ट so, दे रखा है लेस देन सेवन किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क तो बताना है हमें ये जो हमें डिस्टेंस दे रखा है लेस देन सेवन किलोमीटर का हमें बताना है उसकी प्रोबैलिटी हमें निकालनी है ठीक है तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट में आपको पूरा ऐसे अच्छे से लिखना पड़ेगा इसमें कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबसे पहले कितने इंजीनियर्स हैं लेस देन सेवन किलोमीटर ठीक है द नंबर ऑफ इंजीनियर्स आपको ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा प्लेस ऑफ वर्क तो आपके कितने हैं ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसके अंदर देखिए चले गिनते हैं लेस देन सेवन किलोमीटर याद रखना ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो नाइन है ठीक है नाइन इंजीनियर्स हैं जिनका सेवन किलोमीटर से कम है अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो आपको ये भी पूरा लिखना पड़ेगा द प्रोबैलिटी द प्रोबैलिटी दैट एन इंजीनियर दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन सेवन किलोमीटर ज इज़ इक्वल्स टू नाइन अपॉन जितने सेवन uh, किलोमीटर से कम थे अपॉन जितने इंजीनियर्स थे फोर्टी ठीक है तो ये आपकी क्या बन जाती है प्रोबेबिलिटी बन जाती है नेक्स्ट है हमारा मोर देन और इक्वल्स टू सेवन किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो सिंपली आपको जो लेस देन सेवन वाले हैं ना अब हमें और मोर देन सेवन वाला बताना है तो इस नाइन को आप माइनस कर दो फोर्टी फोर्टी में से तो आपके उतने नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स निकल आएंगे जितने आपके मोर देन और इक्वल टू डिस्टेंस पर हैं ठीक है सेवन किलोमीटर से अबव डिस्टेंस पर हैं तो मैं सिंपली ये पूरा मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ आपको इसके अंदर क्या लिखना है द नंबर ऑफ इंजीनियर्स हुज़ रेजिडेंस इज मोर देन और इक्वल टू सेवन किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ द वर्क इज इज़ इक्वल्स टू मैं यहाँ पूरा लिख रही हूँ न पे पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं खाली आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है यहाँ पे ठीक है प्लेस ऑफ द वॉक तक ठीक है इज इस इक्वल्स टू आपका कितना हो जाता है फोर्टी में से आपको नाइन माइनस करने हैं तो आपका आ जाएगा थर्टी वन थर्टी वन इंजीनियर्स हैं जो कि मोर देन सेवन या फिर इक्वल टू सेवन है जिनका डिस्टेंस ठीक है इसकी प्रोबेबिलिटी आप अब निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा थर्टी वन अपॉन टोटल कितने हैं फोर्टी तो ये आपकी हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऐसे ही हमारा थर्ड वाला third, third में क्या है within half from her place of the work. अब आप देखो half तो ऐसा इसके अंदर अंदर कुछ given ही नहीं है है कि half से आपका within half के अंदर किसी का आता हो distance. ठीक ऐसा तो कुछ है नहीं दे दे नहीं दे दे रहा रखा कुछ ऐसा इसके अंदर तो आपकी क्या होगी इसके अंदर नंबर ऑफ इंजीनियर्स होंगे तो आप यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ इंजीनियर विद इन पूरा आप यहाँ पे ऐसे लिख दो यही चीज़ आपको पूरी कॉपी करनी है विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क ठीक है कितना होगा आपका आपका होगा ज़ीरो ठीक है प्रोबेबिलिटी आपने इसकी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी निकलेगी तो ज़ीरो अपॉन टोटल कितने हैं आपके फोर्टी ये आपकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू आपका ज़ीरो ही आएगा इसमें ठीक है तो ये आपकी हो जाती है प्रोबेबिलिटी तो ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था चैप्टर ही इजी है हमारा प्रोबेबिलिटी वाला ठीक है आपको फुल मार्क्स आने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड अगर जितने भी क्वेश्चन आते हैं एक दो तीन जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके फुल मार्क्स आने चाहिए इसके अंदर हम क्वेश्चन और कर लेते हैं और में हमें एक और क्वेश्चन गिवन है हमें इफ एक्स का स्क्र प्लस वन एक्स का स्क्वायर इज टू थर्टी टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का क्यूब प्लस अब वन अपॉन एक्स का क्यूब का हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब देखो पता है हमें हमें हमारे पास क्या गिवन है सबसे पहले हमें गिवन है कि वी है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वन अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिक्सटी टू ठीक है इतना आपको क्लियर है ओके okay. अब हम क्या करने वाले हैं आप जैसे इसको पॉलिनॉमल uh, के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो वैसे आप इसको सॉल्व कर लो मैं क्या कर रही हूँ दोनों साइड क्या कर रही हूँ एडिंग टू बोथ द साइड्स बोथ साइड्स पे हमें क्या करना है टू को ऐड करना है ठीक है चलिए मैं ऐड कर लेती हूँ यहाँ पे तो ये हो जाता है आपका एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस टू इज इज इक्वल्स टू सिक्सटी टू प्लस टू ठीक है दोनों साइड्स मैंने ऐड कर दिया है अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्या आइडेंटिटी है एक्स का स्क्वायर सॉरी uh, आप ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी आपका क्या होता है ए प्लस बी का क्या होता है स्क्वायर होता है ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप तो मैं इस अकॉर्डिंग इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको एक इसको सॉल्व कर देती हूँ तो ये आपका हो जाता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट में आपका आ जाता है स्क्वायर इस आइडेंटिटी को मैंने इसके अंदर यूज़ किया है ठीक है इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाता है सिक्सटी फोर ठीक है अब इस स्क्वायर को मैं यहाँ पे रूट में कर देती हूँ 64 पर तो x प्लस वन अपॉन एक्स ये आपका रूट 64 हो जाता है ठीक है अब इसको आप फर्दर आगे सॉल्व करोगे इसको फर्दर आगे आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स और 64 का रूट क्या होता है आपका होता है एट ठीक है तो ये आपकी क्या बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है ठीक है इतना क्लियर है ये तो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है चलिए अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखते हैं तो आ, अब मैं क्या करने वाली हूँ इस पूरी क्वेश्चन को क्यूबिक करूँगी जो कि हमें ऑलरेडी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाती है इसमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ऊपर आपका आ जाता है क्यूब इज इज इक्वल्स टू एट इसी इक्वेशन को मैं क्यूबिक कर रही हूँ जिसकी हेल्प से हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए इसको आगे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे फर्दर आप जब सॉल्व करोगे तो आपका यही इक्वेशन मैं इसके अंदर लगाने वाली हूँ ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाता है एक्स का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब प्लस थ्री ठीक है अब ये हम क्यूबिक वाला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं स्क्वायर वाला नहीं यूज़ करने वाली इसके अंदर मैं क्यूबिक वाला ही फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ करूँगी तो थ्री सॉरी थ्री ब्रैकेट में आपका आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ठीक है इस इज इक्वल्स टू एट यहाँ ये भी आपका क्या हो जाएगा पूरा क्यूबिक हो जाएगा ठीक है इसको मैं कर रही हूँ क्यूबिक कर रही हूँ ठीक है ओके तो आगे इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से आप सॉल्व कर लो तो मैं यहाँ पे आगे लिखती हूँ कि एक्स का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब प्लस थ्री और आपको ये पता है कि ये जो x प्लस वन अपॉइन एक्स है वो किसके इक्वल है एट के इक्वल है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एट इस इस इक्वेशन की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ एट इज इक्वल्स टू एट का जब आप क्यूब करोगे तो आपका आ जाएगा फ़ाइव वन टू ये आप कुछ सोल्व करके देखना ठीक है आगे चलो इसको फर्दर हम आगे सॉल्व करते हैं चलिए आगे क्या होगा एक्स का क्यूबिक प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूबिक प्लस एट इन थ्री करोगे तो आपका आ जाएगा ट्वेंटी फोर इज इक्ल टू फाइव अपॉइन फाइव वन टू ठीक है तो एक्स का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू फाइव वन टू ये ट्वेंटी फोर इधर लिया और माइनस में ट्वेंटी फोर इधर लिया है मैंने माइनस में तो एक्स का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब इज इज इक्वल्स टू इधर को माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा एट एट फोर ठीक है तो यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी हमें क्या फाइंड आउट करना था देखो ऊपर हमें फाइंड आउट करना था का क्यूब प्लस वन x का क्यूब और वही वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो चुकी है ठीक है पहले तक तो यह हमारा आधा क्वेश्चन इतना था कि आपको पता है हम दोनों साइड पर टू ऐड करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इसी वैल्यू को जब मैं क्यूबिक करूँगी तो इससे आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा ये वाला जो हमें फाइंड आउट करना था एक्स क्यूबिक प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूबिक इतना क्लियर है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा ठीक है चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके okay, अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं टू कॉन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो ऑफ थ्री वन इज़ टू थ्री एंड द रेडियस ऑफ देयर बेस आर इन द रेशियो ऑफ थ्री इज टू वन शो दैट द वॉल्यूम इन द रेशियो ऑफ थ्री इज टू वन ठीक है तो आपको इसका वॉल्यूम जो है वो बताना है रेशियो में थ्री टू वन आपका रेशियो जो आना चाहिए वो थ्री टू वन ही आना चाहिए ये चीज हमें शो करनी है सबसे पहले हाइट जो हमें गिवन है वो हमें रेशियोज में गिवन है तो मैं क्या करूंगी एक लेट करूंगी कि लेट द हाइट सो ट द हाइट कितनी होगी तो मैं लेट द हाइट कर रही हूँ ये वन दे रखा है तो दैट मीनस मैं एच ले रही हूँ और आपको थ्री दे रखा है तो ये हो जाएगी थ्री एच ठीक है ऐसे ही मैं क्या करूंगी लेट द रेडियस द रेडिया आपकी रेडिया कितनी हो जाती है आपको दे रखी है स्टार्टिंग में थ्री टू वन दे रखा है तो यहाँ पे हो जाएगी थ्री आर और यहाँ पे हो जाएगी आपका आर ठीक है ये यह मैंने यहाँ पे लेट कर लिया ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है ठीक है आगे चलते हैं आगे हमें क्या बोल रखा है हमें थ्री टू वन के रेशियो में करना है तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम पता होनी चाहिए कौन की तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले हम इसे दो वॉल्यूम में बांटेंगे दो दो वॉल्यूम में इसको हम बांटते हैं वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगी वॉल्यूम ऑफ कौन ठीक है यहाँ पर निकालती हूँ दोनों का फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द कौन का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच ये आपका फॉर्मूला होता है तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फर्स्ट निकालते हैं वॉल्यूम फर्स्ट निकालेंगे इसमें तो वन पॉइंट थ्री आर अब आप देखो आपको आर इसमें गिवन है थ्री आर तो मैं लिख देती हूँ थ्री आर का स्क्वायर आपको हाइट कितनी गिवन है एच ये आपका है वॉल्यूम फर्स्ट और ये आपका है वॉल्यूम सेकेंड ठीक है इतना क्लियर है चलिए इसको इसको आप फर्दर आगे सॉल्व कर दो इसको आप फर्दर आगे सॉल्व कर दोगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा थ्री पाई आर h एच ठीक है ये निकलता है आपका वॉल्यूम फर्स्ट का अब मैं यहाँ पे निकालती हूँ वॉल्यूम सेकंड का यहाँ मैं निकाली वॉल्यूम सेकंड का वन अपॉन थ्री पाई आर की जगह मैं क्या लेने वाली हूँ सिंपली मैं आर लूँगी कि आर का स्क्वायर ठीक है पैकेट में जो एच है आपको दे रखा है थ्री एच ठीक है इतना क्लियर है चलिए थ्री से थ्री कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा पाई आर स्क्वायर एच आपका बच रहा है वॉल्यूम टू का ठीक है इतना क्लियर हो गया है वॉल्यूम फर्स्ट भी हमारा निकल चुका है और वॉल्यूम सेकेंड भी हमारा निकल चुका है चलिए आगे अब हम क्या करने वाले हैं अब इसका जो रेशियो है वो हम निकालेंगे क्योंकि हमें क्या दे रखा है रेशियो में गिवन है थ्री इज़ टू वन तो चलो रेशियो कैसे निकलेगा वॉल्यूम वन अपॉन वॉल्यूम टू करके ठीक है तो वॉल्यूम वन कितना है थ्री इज रेशियो पाई आर का स्क्वायर एच अपॉन वॉल्यूम टू कितना है पाई आर स्क्वायर एच अब आप देख सकते हो ये पूरा पाई आर स्क्वायर एच इस पूरे पाई आर स्क्वायर से एच स्क्वायर एच से कट चुका है तो ऊपर क्या बच जाएगा थ्री और नीचे बच जाता है वन तो ये आपका क्या हो जाता है थ्री इस टू वन यही चीज़ आपको इसमें शो करनी थी और वही चीज़ हमने क्या करी है इसमें शो कर दिया है right? राइट मुश्किल क्वेश्चन नहीं था बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था आपको वॉल्यूम पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द कोन हम कैसे उसका फॉर्मूला क्या होता है ठीक है इतना क्लियर है ओके okay, तो अब हम सेक्शन बी कर रहे हैं सेक्शन बी का खाली हम क्वेश्चन नंबर सिक्स वीडियो में करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन से हम इसका पार्ट सेकंड आपका कल जल्दी ही अपलोड हो जाएगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स कर लेते हैं हम इन द गिवन फिगर ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंगल बी सी ओ एंगल बी CO, ये आपको थर्टी डिग्री गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई की आपको वैल्यू फाइंड आउट वाई है ठीक है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ठीक है सबसे पहले मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ओडी जो है वो पैरल है बी सी के और ये आपको ट्रांसवर्सल गिवन है दैट मैं बोल सकती ट्रांसवर्सल गिवन है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ सबसे पहले लिख देती हूँ कि इज पैरलर टू बी सी मैं ये चीज यहाँ पे बोल सकती हूँ तो आपको एंगल क्या दे रखा है एंगल बी सी ओ आपको दे रखा है थर्टी डिग्री ठीक है तो मैं यहाँ बोल रही हूँ एंगल सी ओ डी भी आपका थर्टी डिग्री होगा ये भी आपका कितना होगा थर्टी डिग्री होगा क्या रीज़न मैं दे सकती हूँ यहाँ पे एंगल सी ओ डी भी आपका कितना होगा थर्टी डिग्री होगा तो मैं यहाँ पर जो रीज़न दूंगी यहाँ पे दूंगी मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैं ये क्या दूंगी ये रीजन देती हूँ मैं इसका ठीक है तो इसका अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाता है एंगल सी ओ डी आपका कितना हो जाता है थर्टी डिग्री हो जाता है ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट ठीक है इतना क्लियर है मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दिया है अब आपने टेन पॉइंट एट थियोरम पढ़ी होगी आपने क्या था वो थ्योरम द एंगल ऑफ बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सस्पेंडेड बाय इट एट द एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल मैं पूरी थ्योरम को यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ ये मैंने पूरी थ्योरम जो है वहाँ पर लिख दिया है सिंस द एंगल सस्पेंडेड बाय बाई आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सस्पेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल अगर आप चाहते हो कि मैं सर्कल चैप्टर भी स्टार्ट कर दूँ तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा मैं आसान तरीके से आपको पूरा सर्कल का चैप्टर पढ़ा दूंगी ठीक है ओके okay. तो ये आपको थ्योरम बहुत अच्छे से पता है तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मैं अब क्या करने वाली हूँ अब मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ हेयर यहाँ पे क्या लिखूंगी सबसे पहले मैं आप देख सकते हो कि सी डी जो है सी डी पॉइंट जो है वो सस्पेंडेड है टू द एंगल सी ओ डी से ठीक है ये वाले दोनों पॉइंट्स एट द सेंटर से ठीक है और एंगल आपका जो सी बी डी दे रखा है वो एट अ बी से है ठीक है ऑन द सर्कल तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे लिख सकती हूँ कि आर्क सी डी सपटेंडेड एंगल सी ओ डी एट सेंटर से ठीक है एंड एंगल सी बी डी जो है एट बी पॉइंट से आपका ऑन द सर्कल ठीक है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है अगर आपने थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी तो इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे क्या ले सकती हूँ इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे ले सकती हूँ इस अकॉर्डिंग इसके पूरे जो मैंने आपको थ्योरम बताई है इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे कैसे इक्वेशन बना सकती हूँ कि सी बी डी सी बी डी जो है वो हाफ है किसका सी ओ डी का आपको ये वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि सी बी डी जो है वो हाफ है किसका आपका हाफ है एंगल सी ओ डी का ठीक है तो अब आपको पता है कि आपको सी ओ डी आपको कितना गिवन है थर्टी गिवन है तो ये हो जाता है अपॉन टू यहां पे हो जाएगा सी ओडी थर्टी अपॉन टू तो आपको कितना निकल जाता है फिफ्टीन निकल जाता है तो ये आपका क्या दे रखा था ये आपको दे रखा था वाई ठीक है तो ये आपकी वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है हमें एक्स और वाई की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है मैंने वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर दी है तो ये आपकी हो जाती है सेकेंड इक्वेशन ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं अब हमें एक और चीज़ दिख रही है कि ए डी जो पॉइंट्स हैं ये वाले दोनों जो आर्क हैं वो एंगल ए ओ डी से क्या हो रहा है सब हो रहे हैं एट द सेंटर से ठीक है तो ए बी डी जो है एट अ पॉइंट बी ऑन द सर्कल पे तो कॉमन क्या है आपका ये बी पॉइंट कॉमन है तो मैं इसको इन दोनों आर्क की अब मैं बात करूँगी तो मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ कि ऑल्सो आर्क ए डी एंड एंगल ए डी एट द सेंटर एंड एंगल ए बी टी एट बी ऑन द सर्कल ठीक है ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है अब इस अकॉर्डिंग आपका क्या बन जाता है कि एंगल ए ए एंगल ए बी डी जो है वो हाफ है आपका एंगल ए ओ डी तो मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ एंगल ए ओ डी तो ठीक है वन ओ डी आपको कितना गिवन है ये आपको राइट right एंगल दे रखा है दैट इज नाइन्टी डिग्री तो मैं देती हूँ नाइन्टी डिग्री तो ये आपका कितना आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा फोर्टी फाइव ये आपकी हो जाती है थर्ड इक्वेशन ठीक है इतना क्लियर है ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो अब इसके अंदर मुझे क्या करना है अब मुझे एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ठीक है वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ 15 निकल चुकी है तो मैं ये करूँगी कि अब आप देख सकते हो कि ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है ठीक है तो मैं सम ऑफ ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल का मैं यूज़ करके मैं क्या कर सकती हूँ मैं एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ तो ये कौन सा दे रखा है आपको ए बी ये आपका ई e पॉइंट है ठीक है तो मैं बात करती हूँ इंट्राइंगल ए बी ई ठीक है ठीक है चलिए अब देखते हैं ये आपका एक्स और ये वाला एंगल भी हमने फाइंड आउट किया कितना निकला था हमारा एंगल ए बी डी ये आपका निकला था फोर्टी फाइव ठीक है चलिए देखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस फोर्टी फाइव ये वाला एंगल आपका और एक ये वाला एंगल भी तो होगा आपका ये वाला कौन सा है ये ए बी एंगल ए ई बी इक्वल्स टू वन एटी डिग्री और रीजन आप वही दे सकते हो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ठीक है या फिर आप लिख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से भी तो मैंने यूज़ किया ना बाई की वैल्यू आपकी फ़िफ्टीन होगी महाँ पर फिफ्टीन लिखने वाली और फोर्टी फाइव भी हमने सॉल्व किया है ठीक है चलिए आगे हम वैल्यूज़ डालेंगे तो आपकी वैल्यूज़ कितनी आ हा जाएगी यहाँ पे एक्स को फाइंड आउट करना है प्लस वाई आपका निकला है फिफ्टीन प्लस फोर्टी फाइव और प्लस आपका ये भी कितना होगा ये आपका नाइन्टी डिग्री का ही होगा क्योंकि ये भी आपको कितना गिवन है नाइन्टी डिग्री है तो ये वाला भी आपका नाइन्टी डिग्री होगा तो ये हो जाएगा प्लस नाइन्टीन इस इज़ इक्वल्स टू वन एटी डिग्री इसको हम प्लस करेंगे तो x इज इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री माइनस इनको प्लस कर दो तो ज़ीरो तो आपका आ जाता है वन फिफ्टी ठीक है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा थर्टी इतना क्लियर है x की वैल्यू भी हमने क्या फाइंड आउट कर दी है तो मैं आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हैंस x इज इज इक्वल्स टू थर्टी डिग्री एंड y इज इज इक्वल्स टू फिफ्टीन डिग्री ठीक है x इज इक्वल्स टू थर्टी एंड y इज इक्वल्स टू फिफ्टीन ठीक है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सर्कल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है आपका ठीक है चलिए अब इसका और पार्ट और बच रहा है सिक्स क्वेश्चन का वो और हम देख लेते हैं ओके okay, अब हम इस सिक्स क्वेश्चन का जो और पार्ट है वो और हम कर लेते हैं ठीक है देखते हैं ए बी सी डी इज अ ट्राइंगल डी इज अ मिड पॉइंट डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल बना लेती हूँ एक कि ये आपको गिवन है एक ट्राइंगल ठीक है जिसमें आपको डी पॉइंट दे रखा है ऑन द ए बी पर तो मैं ए बी सी इस पर पॉइंट दे रखा है आपको डी ठीक है सच दैट ए डी इज हाफ वन अपॉन फोर्थ ऑफ ए बी ये वन फोर्थ है ए बी का ठीक है ई इज़ द मिड पॉइंट ऑन ए सी यहाँ पे है आपका ई मिड पॉइंट ठीक है तो so, आपको दे रखा है सच दैट ए ई बी जो है आपका वन फोर्थ ऑफ ए सी है हमें क्या प्रूव करना है कि डी ई e, जो है वो वन फोर्थ है बी सी का ठीक है तो अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा कि हमने अभी अभी कोऑर्डिलेट चैप्टर पढ़ा है उसमें लास्ट थ्योरम जो हमने पढ़ी है वो है मिड पॉइंट थ्योरम तो उसकी हम हेल्प लेने वाले हैं ठीक है ठीके? सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिखती हूँ कि हमें गिवन क्या है हमें गिवन है कि ए डी जो है ए डी जो है वो वन फोर्थ है आपका किसका ए बी का ठीक है और ई e, जो ए -E है ए -E जो है वो आपका वन फोर्थ है किसका ए का ठीक है इसका वन फोर्थ है मैं इसको कर देती हूँ ज्वाइन ठीक है टू प्रूफ क्या करना है हमें इसके अंदर टू प्रूफ हमें करना है कि डी -E जो है वो आपका वन फोर्थ है किसका ए का वन फोर्थ है ठीक है जी चलिए अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करने वाली हूँ वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी मैं तो पॉइंट्स ले रही हूँ कि ये है आपका पी पॉइंट और ये है आपका क्यू पॉइंट ठीक है मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ ये मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है ये कंस्ट्रक्शन मैंने क्यों की है क्योंकि मुझे मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प लेनी है तो मैं क्या करूँगी इन ट्राइंगल ए बी सी लूँगी जिसमें मैं पी और क्यू को क्या दिखाऊंगी मिड पॉइंट दिखाऊँगी तो जिसकी हेल्प से क्या होगा पी क्यू जो है वो हाफ हो जाएगा आपका बी सी का मैं थ्योरम्स यूज़ करूँगी तो चलो करते हैं पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ ठीक है कंस्ट्रक्शन क्या लिया है मैंने कि टेक पी एंड क्यू पॉइंट मैंने लिए हैं आर द मिड पॉइंट आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी एंड ज्वाइंट दम सो अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रही हूं बाय मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्थ से मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैं लिख देती हूँ बाय मिड पॉइंट थियोरम मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ सबसे पहले मैं बात करूँगी इन ट्राइंगल ए बी सी इस ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल की मैं बात करूँगी जिसमें मैं पी और क्यू को पॉइंट्स ले रही हूँ जिसको मैं हाफ करूँगी बी सी के तो पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी का मिड पॉइंट मैं लूँगी तो पी क्यू क्या हो जाता है आपका हाफ हो जाता है किसका बी सी का ठीक है बाय मिड पॉइंट थ्योरम से मैंने यहाँ पे लिख ला है लिख लिया है सिमिलरली मैं क्या करने वाली हूँ इसको मैंने इसके हाफ कर दिया है अब मैं लूंगी इन ट्राइंगल ए पी क्यू जिसके मिड पॉइंट होंगे डी और ई सिमिलर तरीके से मैं इस डी ई e को भी मैं हाफ करूँगी पी क्यू की तो सिमिलरली इन ट्राइंगल ए पी क्यू ठीक है डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए पी एंड ए क्यू ठीक है इन दोनों के क्या है मिड पॉइंट्स हैं ठीक है ठीके? तो इस अकॉर्डिंग में यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि डी ई e जो है वो हाफ है किसका पी क्यू का ठीक है ये मैं लिख सकती हूँ ओके okay. अब आप देखो मैंने यहाँ पे पी क्यू का ऊपर फाइंड आउट मैंने किया तो इस पी क्यू की जगह मैं ये वाला ये लिख सकती हूँ हाफ ऑफ़ बी सी तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डी ई इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाफ ऑफ बी सी ब्रैकेट में मैंने यहाँ लिख दिया है ठीक है चलिए अब हम डी सी डी ई को आगे सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को जब आप इंटू करोगे तो ये हो जाएगा वन अपॉइंट फोर बी सी आपका डी ई क्या निकल रहा है वन अपॉइंट फोर बी सी अब आप ऊपर देखो आपको क्या करना था इसके अंदर यहाँ पर ऊपर देखो यहाँ पे आपको क्या है प्रूफ करना था कि डी ई -E वाला जो ये वाली जो लाइन है वो वन फोर्थ है किसके बी सी के और वही चीज़ यहाँ पे यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है तो मैं लिख सकती हूँ कि हैंड्स प्रूफ ठीक है मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख सकती हूँ अभी अभी हमने कोऑर्डिनेटर का पूरा चैप्टर पढ़ाया अगर आपने अच्छे से पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लि प्ले लिस्ट का पूरा लिंक दे दूँगी आप ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है ठीक है तो ये था आपका पार्ट फर्स्ट ऑफ प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट ठीक है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा पार्ट टू तो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी तीन सैंपल पेपर्स आपको गिवन है तो पहला सैंपल पेपर दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड भी आपके जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी ठीक है तो एंड ऑल्सो प्लीज़ सपोर्ट मी इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे और फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉलो करना मत भूलेगा कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो राइट right? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच एंड बाय बाय